हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम इस वीडियो के माध्यम से इनवैल्यूड चैप्टर का प्रॉब्लम 3 सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एन इनवैल्यूड ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 25 mm। इनवैल्यूड ऑफ अ स्क्वायर किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेट स्क्वायर की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो हमारा स्क्वायर का इच साइड दिया गया है हमें 25 mm, तो 25 mm मार्क कर लेंगे पॉइंट ए एंड बी। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से पॉइंट ए एंड बी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। इसके बाद स्केल की सहायता से 25 mm मेजरमेंट ए से लेंगे एंड 25 mm पॉइंट बी से भी मेजरमेंट लेंगे। इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से ए बी सी एंड डी हमारा स्क्वायर बन गया है। इसके बाद फ्रेंड ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर हमें 25 mm दिया गया है, तो इसकी सहायता से पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। 4a, हेयर ए इक्वल टू साइड 4 × 25 mm। इस तरह से हमारा पेरीमीटर जो है 100 mm हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद ए बी लाइन को सीधा आगे की ओर बढ़ा लेंगे और पॉइंट बी से जो हमारा पेरीमीटर मिला है हमें 100 mm, तो 100 mm में मार्क कर लेंगे और यहाँ पॉइंट फोर से नामांकित कर लेंगे पॉइंट फोर। इसके बाद पॉइंट बी से लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल आप पॉइंट बी से खींच लीजिए नीचे की तरफ। इसके बाद कंपास की सहायता से पॉइंट बी से लाइन को हमें फोर पार्ट में डिवाइड करना है, तो कंपास की सहायता से हमें चार आर्क लेना होगा। एक आर्क जो है वो आप किसी मेजरमेंट का ले सकते हैं और उसी मेजरमेंट का इक्वल चार आर्क लेना है। और सभी आर्क को जैसे हमारे यहाँ पे बी है तो यहाँ B1, B2, B3 एंड B4 से नामांकित करना है। इसके बाद
बी4 को पॉइंट बी4 को पॉइंट 4 में मिलाना है। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से जो लाइन को हमने मिलाया है उस लाइन के पैरेलल पैरेलल सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए B3 से लाइन खींचेंगे ऊपर की ओर। इसके बाद B2 इसके बाद पॉइंट B2 से इसके बाद पॉइंट B1 से लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमारा जो लाइन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद जिस तरीका से पॉइंट ए जो है आगे की ओर आपको बढ़ाया गया है लाइन को, ठीक उस तरह से पॉइंट बी को, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी को, सभी लाइन को आगे की ओर लाइन को बढ़ा लेना है। जैसे ये पॉइंट बी को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, इसके बाद पॉइंट सी को इसके बाद पॉइंट डी को सीधा आगे की ओर बढ़ा लेना है। इसके बाद कंपास की सहायता से पॉइंट बी से पॉइंट बी पॉइंट फोर तक पॉइंट बी से पॉइंट फोर तक कंपास को मेजरमेंट लेंगे। इसके बाद यहाँ से आर्क लेना है, जो आर्क हमारा इस लाइन पे जाके मिलेगा। इसके बाद पॉइंट सी से कंपास रखकर जो आर्क हमने जहाँ तक लिया है उस पॉइंट से आगे की ओर आर्क बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद इस लाइन पे मिलेगा। इसके बाद पॉइंट डी से इस आर्क को आगे की ओर बढ़ाना है। इसके बाद जो आर्क हमारा ए लाइन में मिला है उसे पॉइंट ए से मेजरमेंट लेकर आर्क लेंगे। ये आर्क हमारा पॉइंट बी में जाकर मिलेगा। तो इस प्रकार आप इनवैलिड ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो हमारा कर्व लाइन होगा इसे आपको डार्क करना है, ये हमारा इनवैलिड कहलाएगा, इनवैलिड। और चूंकि ये स्क्वायर के लिए बनाया गया है इनवैलिड, तो इसे हम इनवैलिड ऑफ स्क्वायर कहते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को इनवैलिड ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड को इसके ज़रूरत हो तो उसे शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।